नमस्कार, आप इस समय एक गांव की तस्वीर देख रहे हैं। हम लोग इस समय डिडवाड़ी गांव में खड़े हैं। डिडवाड़ी गांव तब सुर्खियों में आया था जब पद्मश्री का अवार्ड इस गांव के किसान कहें या ग्राम सचिव कहें इस गांव को मिला था। हम लोग उनसे भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आजकल ये गांव इसलिए सुर्खियों में है कि आज सुबह एक मीडिया में खबर छपी थी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था नरेंद्र कुमार, उन्होंने गबन किया है। उस गबन की खबर जैसे ही सुर्खियों में आई तो एकदम पूरा हरियाणा सा हिल गया, क्योंकि इस गांव को पद्मश्री अवार्ड मिला था। गोलू, आपको याद होगा, एक भैंसा था, गोलू की वजह से ये अवार्ड मिला गया था। तो उसी नरेंद्र से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। 1 करोड़ 50 लाख रुपये गबन के आरोप ये लगाए गए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उनके साथ सरपंच जो हड़ताड़ी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि इन दोनों ने मिलकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए का गबन कर दिया। पहले तो सरपंच साहब के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका, कौन से गांव के सरपंच, और दूसरा ये जो गबन का आरोप लगा इसके बारे में बताएं, ये 1 करोड़ 50 लाख कहाँ चला गया ये? मेरा नाम गुरमीत सिंह, वर्तमान सरपंच है। मैं गाँव हड़ताड़ी का सरपंच हूँ, वर्तमान सरपंच हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं 1 करोड़ 51 लाख रुपए गए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये मैंने जितने भी गारंटी आई है मैंने सभी के सभी काम किए हैं, और जो दैनिक भास्कर में जो ये आई हुई है कि भाई तालाब के भी पैसे, मतलब ग्रांट जो बताई है वो मेरे पास है, उसका तालाब का कोई भी ग्रांट नहीं है मेरे कार्यकाल में। और जितनी भी गारंटी आई है मैंने सारे काम पूरे कर रखे हैं, बल्कि मेरी MB बढ़ने के बाद जितनी गारंटी आई थी उनकी MB बढ़ने के बाद असेसमेंट होने के बाद कुछ पैसे मेरे ही निकलेंगे सरकार की तरफ। तो ये गबन का इतना बड़ा आरोप, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए थोड़ा पैसा नहीं होता, ये क्या कहाँ से आ गया? BDO ने डायरेक्ट आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। ये BDO साहब ने MB नहीं भरी, क्योंकि BDO साहब ने पैसों की जो डिमांड की है किसी के द्वारा, मैं वो पैसे देने में असमर्थ रहा, इसलिए ये रिपोर्ट बना के DDPO ने मेरे गैर खिलाफ़ और नरेंद्र के खिलाफ, मेरे ग्राम जो सचिव है उन्होंने BDO को या DDPO दफ्तर भेज दिया बना के। जी, कौन पैसे की डिमांड कौन कर रहा था? ये पैसों का खेल यहाँ चलता है ग्राम पंचायत में? जी, पहले तो उन्हें मेरे को नहीं पता, लेकिन अब की बार जो ये मेरे पास जो आए थे भाई, MB नहीं, जैसे मना किया गया मेरे कहने पर भाई MB भरी जाए मेरे कामों की, ग्रांटों की, जो भी मैंने काम किए हैं, उसके दौरान ये डिमांड आई मेरे पास किसी के द्वारा। कितने पैसे की डिमांड आई? उसके 2.5 लाख रुपए की, उसी के दौरान ये काम हुआ है। ये कब का मामला है, ये कब की बात बता रहे हैं, कब के काम है ये जो ग्रांट आई है लॉकडाउन से पहले की? तो ये अभी आरोप ये लगाए हैं, जो मेरे सामने अखबार की कटिंग भी है, कि टाइलों के नाम पर, चौपाल के नाम पर, नाले के निर्माण पर, सड़क निर्माण सभी काम फिर निर्माण, इनमें घोटाला हुआ है जी। हाँ जी, ये सभी काम में पूरे हैं जी, इनके MB भर के और असेसमेंट की जाए। तो अगर जी ये जानकारी अपना ये जांच करवाएं, हाँ जी, तो जांच में ये आप लोग खरे उतर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल खरे उतर पाएंगे जी। ये सारे काम ये मैं दावा करता हूँ कि अगर जो जांच कराई जाए MB भर के, और तो मैं इसमें खरा उतरूंगा। तो यहाँ का क्या दिक्कत आ गई, MB नहीं भरी, क्यों नहीं भरी गई, और ये पैसा बिना MB के निकल जाता है? हाँ जी, ये जैसे काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, तो ऐसे पेमेंट करने के लिए पैसे निकल जाते हैं। जैसे ज्वाइंट अपना वो होता है, उसका नरेंद्र, उसका ग्राम सचिव और सरपंच का खाता जो, अच्छा, नरेंद्र से पहले जो मैं ग्राम सचिव थे उनके उसमें भी ग्रांटे आई हुई थी, और उनके उसमें 50-60 लाख रुपए का काम हुआ था। इससे पहले कुलदीप त्यागी थे ग्राम सचिव, उसके उसमें भी काम हुआ है, ग्रांटों का और पैसों का भी लेन देन हुआ है। तो BDO के ऊपर आरोप लगा रहे हो जैसे कि पैसे की डिमांड हो रही है, किसी के थ्रू आपसे पैसे मांगे जाते थे? कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है आपके पास जो सार्जू नहीं कर सके इस चीज़ को? नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मेरे पास। कौन पैसे कौन मांगने आता था, बीच का आदमी बताना चाहोगे कुछ? सुनील जैन थे जी। सुनील जैन क्या है वो? वो है जी, ये बालाजी मशीनरी हार्डवेयर स्टोर है, वो मतलब पंचायतों में माल वाल देते हैं, मेटल वगैरह देते हैं जो भी। अच्छा, वो प्राइवेट आदमी है? प्राइवेट आदमी है वो, उसके थ्रू पैसों की डिमांड थी? हाँ जी, बिल पास हो जाएगा कुछ इस तरह? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार फिर आपको बता दें, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आज
एक भास्कर में खबर छपी थी कि BDOP ने जांच में पद्मश्री अवार्ड जो नरेंद्र सिंह को दिया गया था उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम सचिव है, अड़ताड़ी के थे तत्कालीन, तो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। मामला बहुत बड़ा था क्योंकि 1.5 करोड़ रुपये का ये मामला सामने आया था। तो वॉइस ऑफ पानीपत पर अब दोनों एक्सक्लूसिव हैं, इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे, इनके मुँह से सुन रहे हैं कि ये सारा मामला क्या था। तो नरेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आरोप लगे सीधा 1.5 करोड़ के और आप उस समय ग्राम सचिव थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारे साथी हमारे अधिकारीगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो रही 1.5 करोड़ रुपए के आरोप में, मैं 27 जून 2019 से 19 नवंबर तक मैं कार्यकाल जो मेरे टाइम हुआ उसका अड़ताड़ी का, मेरे समय से पहले 2 ग्राम CO और थे, जो रामशरण था, कुलदीप था। कुलदीप ने नाले के पैसे निकलवाए जबकि नाला अधूरा पड़ा था। जिस टाइम मैं पहुँचा MB नहीं भरी हुई थी, मैंने वो जाकर के नाला भी तैयार करा, असेसमेंट भी करो, MB भरवाए, उसका रिकॉर्ड भी अधूरा था। सरपंच ने कई बार उसको ग्राम सचिव जो कुलदीप था उसको कई बार बोला, मौखिक तौर पर नहीं लिखित रूप में, अगर लिखित रूप में दे दूँ आज शादी नौबतें नहीं थी, तो उसने रिकॉर्ड पूरा नहीं किया। वो जो कि जाकर सारा जो भी है और रिकॉर्ड मैंने किया, पूरा तैयार किया। जो एक मिट्टी का इन्हें 53 लाख का जो अरब लगा, 53 लाख रुपए तो उस पंचायत में किसी तालाब के मिट्टी के कोई भी पैसा नहीं आया। और रही BC चौपाल, तो BC चौपाल के 37 लाख रुपए है मेरे ख्याल में, 55 लाख रुपए के पास सरपंच ने खर्च किया है। मैं ये इस दावे के साथ भी कह सकता हूँ चौपाल ऐसी है जो सरपंच ने बनाई, मैंने कहता है सारे पानीपत जिले में ऐसी चौपाल नहीं होगी। और जो गलियाँ हैं, गलियाँ लगभग तकरीबन सारी पूरी है, बहुत अच्छे अच्छे उसका सैंपल भी क्यों ना भरा जाए, मेटेरियल भी उसके ठीक हालात में मिलेगा, उसकी रेशो ठीक पाएंगे। और जो फिरनी है ऐसी फिरनी है शायद बहुत कम मिलेंगी सारी की सारी। हाँ, फिरनी का एक छोटा टुकड़ा रह चुका था उस टाइम भी, क्योंकि उस पर डिस्प्यूट था, उस पर कब्जा था। वो कब्जा भी मैंने बने प्रशासन के उस तय अपने दम पर वो कब्जा छटवा और उसको कब्जे को फिरनी पर 2 एकड़ की लंबी में से 10 फुट की चौड़ाई में फिरनी पर वो कब्जा था, वो कब्जा छटवा करके मैंने वाल वो दीवार निकलवा दी और कब्जे में ले लिया है। जिस दिन BDO साहब ने इस चीज़ का निरीक्षण किया था मौके पर, जितने उसके मटेरियल के पैसे निकले थे मौके पर मटेरियल था, और तकरीबन फिरनी 80% फिरनी उस टाइम भी तैयार थी। और वो गलिया की बात, गलिया भी तकरीबन सारी की सारी पूरिया थी। और मैं इस बात तक कोई 100% की गारंटी, मैं 200% से इस बात की गारंटी दे दूँ, अगर इसका MB सारी भरवाए जाए टेक्निकल विभाग से या किसी और टीम बना करके, सरपंच ने 20-30 लाख रुपए पंचायत फंड से लेने आएंगे, यानी देने के लिए नहीं आए। और जो ये आरोप लगाए गए हैं, ये मेरे पद्मश्री अवार्ड होते हुए मेरे को ठेस पहुँचाने के लिए ये आरोप लगाए गए। और मैंने उपायुक्त महोदय से भी ले मांग करूंगा कि मेरी जांच कराए, अगर मैं इस चीज़ में दोषी पाता मेरे खिलाफ कोई करो कुछ भी कार्रवाई करे, इसके लिए कोई उनकी इनकार ही नहीं है। तो BDPO क्यों इसलिए खुंदा खा रहा है इस बात को लेकर? देखिए, कुछ तो इनका मैटर था जो इन्हें बताया नहीं, एक बार मेरे से लेन देन था जो भी था उन्हें दिया गया इस करका का, और ग्राम सी और सरपंच का तो साजला खाता हो, अगर जब कहीं भी सरपंच या ग्राम सी किसी की एक की भी गलती होगी दोनों पर इस बात का आरोप लगेगा। तो मैं पूरा आश्वासन के साथ अपने प्रशासन को पूरा आश्वासन दूंगा हमारी जांच करवाई जाए, अगर हमारे काम ना पाए, एक नंबर काम ना पाए, तो हमारे पास कुछ कोई भी खिलाफ कार्रवाई कर। जो रही इस पत्रकार ने जो अपना कल निकाली है, तक सरासरी बिल्कुल झूठ है, तो इस बात का भी हम आगे और बातचीत करेंगे। जो इन्होंने इतना वो करा, ये कह रहे कि BDO साहब की आर ओ उसके रिपोर्ट पर हमने कराया है, तो BDO साहब की रिपोर्ट में को तालाब का 53 लाख रुपए को ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है, उन्हें जो कि 53 लाख रुपए और हमारे सामने वो हमारी तरफ से गमन शीत करे, सरासरी झूठ है। तो आपका आरोप पक्ष नहीं रखा गया था, लिया नहीं गया था कल इस बात को? इस बात के बारे में पूछा था, मैं भाई कम से कम मेरे में तसल्ली कर ले, बोला मैं करता हूँ, उसको मेरे को आश्वासन दिया, उसने बढ़ चढ़ करके खबरें लगाई हैं लेकिन जो कि वह गलत है। तो सिर्फ यही खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप सरकारी ओहदे पे होते हुए आप पद्मश्री अवार्ड? यही है हमारा जो मेन मैटर है भाई, सरकार के ओहदे मैंने पद्मश्री, मैंने पता हो पद्मश्री अवार्ड कितनी अपनी जिंदगी की लाइफ में कितनी मेहनत की है, तो उसको ठेस पहुंचाने के लिए ये काम ऐसा मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा गया है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे पद्मश्री अवार्ड कब मिला था और क्यों मिला था आपको? देखो, पद्मश्री अवार्ड मैंने 25 साल से इस पशुपालन के क्षेत्र में मैंने और मेरी मिसिज ने पूरा बढ़ चढ़ कर पूरा भाग लिया। हमने नस्ल सुधार बुर्रा पर पूरा काम या सरकार का सहयोग लिया, सरकार को जो भी हमारे पास अच्छी सी नस्ल हुई हमने सरकार को गिफ्ट भी की है, जो शो आज पूरे भारतवर्ष को उसकी चीज़ का बहुत बहुत फायदा हुआ है। तो उस मेरी उपलब्धियाँ वह देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरी वह जाँच करा करके जो कि मेरे अवार्ड देख कर स्टेट के उसे नेशनल के उस पर मेरे आधार पर मेरे को अवार्ड दिया गया था। तो इस मामले की अगर जो सारे मामले की जांच की जाए
तो आप कहते हैं कि मैं साफ निकलूंगा, सरपंच भी साफ निकला उस मामले में। मैं तो कोई 100% की गारंटी, मैं 200% दूंगा, मैं बिल्कुल साफ लूंगा। मेरे को इसी प्रकार आज कर किसी प्रकार का कोई ना को बह है ना को डर है, ठीक है। उन आरोप लगाए हैं, देखो मीडिया मेरी बदनामी जरूर हुई, लेकिन इसको साफ करके रहूंगा। अभी क्योंकि वो बता रहे थे कि कोई बीच का आदमी पैसे की डिमांड कर रहा था, और आप सरकारी उसमें हैं, कर्मचारी हैं, तो ऐसा डिमांड होती है? देखो वो सरपंच ने पता है, मैं तो पंचायत, तो जो मेरी पंचायत है, मैं को ऐसा वैसा सेक्रेटरी हूँ, पूरा दबंग सेक्रेटरी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरे से कोई पैसे मांग लेगा, अपने मजबूते पर हूँ, अपनी ईमानदारी पर हूँ, और मैं अपनी ईमानदारी को दिखाते हुए इस चीज़ में पूरी कामयाबी दिखाऊँगा। तो ये पद्मश्री अवार्डी थे नरेंद्र सिंह। मामला आपको फिर समझा दे, आज सुबह एक मीडिया में खबर छपी थी कि 1.5 करोड़ रुपए का गबन सरपंच साहब के साथ मिलकर ग्राम सचिव ने कर लिया है। इसको लेकर ये सारा मामला जैसे उलझता चला गया, तो अभी ये कह रहे कि उनका पक्ष नहीं लिया गया था। अभी इन दोनों के पास हम इसलिए आए थे, वैसे पानीपत पर इसलिए बुलाया गया था कि अपना पक्ष जो है रखें, और ये खुद कह रहे हैं अगर उस मामले की जाँच हो जाती है, अगर जो दोषी पाए जाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो अपने स्तर पर ये उपायुक्त महोदय से बातचीत भी करेंगे कि जो जाँच है वो जांच वो करवाई जाए, जितने भी 1.5 करोड़ रुपए का जो गबन की बात आ रही है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत से। अभी कुछ और कहना चाहेंगे आप जी? बताएं, बताएं। और कहना चाहूंगा, देखो इससे स्पष्ट होती है जी। मेरे पास कुछ मीडिया वाले पहले भी आए थे, मैंने उनके पास रिकॉर्ड सौंपा, मैंने ये कहा ठीक से मैं दोषी हूँ, वीडियो साहब ने मैं दोषी मान लिया, 1.5 करोड़ का आरोप लगा, 1.5 करोड़ तो मेरे पास टाइम निकले नहीं, मेरे पास 80 से 90 लाख के आसपास पैसे नहीं, मेरे से पहले कुछ ग्राम सचिव और थे, उन्हें पैसे निकला, उन्हें काम उनके बल्कि काम पूरे थे, मैंने काम पूरे करिए, उनका रिकॉर्ड की जांच होगी, रिकॉर्ड मैंने पूरा किया, उन्हें रिकॉर्ड पूरा नहीं किया। 1.51 करोड़ सारा आपके ऊपर थोप दिया, मेरे ऊपर थोप दिया। आपसे पहले मतलब दो ग्राम से और थे, उन्हें कम से कम भी 60 लाख रुपए निकलवाए हैं, उनके काम भी अधूरे पड़े थे, उनके एमबी भी अधूरी पड़ी थी, स्टॉक रजिस्ट्री भी अधूरी पड़े थे, कैश बुक भी अधूरी पड़ी थी, वोचर भी नहीं थे, वो सारे का सारा मैंने जो फर्म के चेक काटे तो लिया करके सारा का सारा रिकॉर्ड मैंने पूरा, स्टॉक रजिस्ट्री मैंने पूरा करा, एमबी मैंने भरवाए, कुछ हमारी अधूरी में एमबी है जो पूरी हो जाएंगे, सरपंच पंचायत से लेन में रहेगा, दिन में नहीं रहेगा। तो पिछले ग्राम सचिव भी दोषी निकलेंगे आप ये निकले, ये तो दिखती बात है, अगर मैं दोषी हूँ ना, मैंने 80-90 का गमन किया है तो सारे के सारे दोषी हैं। हालात मैं उनको भी दोषी नहीं कहता, लेकिन उन्होंने 60 लाख रुपया कटाया है, मैंने भी कटाया है, काम पूरा हो रहा है, मैं नहीं कहता वो भी फ्रॉड है, काम वो भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कहता कि मैं उनको इस बात को आरोप लगाओ 1.5 करोड़ आरोप धांधली नहीं, 1 रुपये की भी 20-30 लाख रुपये सरपंच को लेने निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं BDOP इसमें दोषी हो सकता है इस सारे मामले में? देखो जी, जांच होने के बाद मैं अपने मुंह से कहने, वो प्रशासन देखेगा दोषी है ये भाई, पद्मश्री अवार्ड की जलन में हुआ है या सरपंच की जलन में हुआ है, वो तो जांच के बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी छन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कब के जो बिल हैं बता देखो, बिल है मैं तो 27 जून और 19 नवंबर तक, कुल 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने रहा, उससे पहले जो सरपंच का 4.5 साल हो गए, 4 साल टर्न पर तो मेरे से पहले और काफ़ी वो थे, तो 4 साल में इन जो और भी थे, उससे पहले दो भी थे, दो और भी भाई थे, वो वहाँ 5वां ग्राम सचिव में पहुँचा है, लेकिन मेरे से पहले 2 ग्राम सचिव जो ग्रांट आई है उन्हें 50 और 60 लाख के बीच में उन्हें काम करवाया है, कुछ अधूरा था वो मैंने पूरा करवा दिया, सरपंच ने पूरा करवा दिया, और ये सरपंच भी कुछ बातें वो करते, मैं उनको साफ से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, इसने ये बताया कि मैं जो मेरे से पहले ग्राम सचिव था उन्हें पैसे निकलवाए थे 3.5 लाख रुपये उसने लिए पैसे निकलवाने के, वो सरपंच से पूछ लेना, मैं निकूँ ये बातें, तो लेकर चलेगा और रिकॉर्ड भी दूरा छोड़ेगा, और रिकॉर्ड मरना पड़ रहा है, सरपंच ने मेरे से बताया बोले 3.5 लाख रुपये जो निकल वो उन्हें ले गया, वो 3.5 लाख जो मेरे से ले गया वो मैंने काम तो पूरा कर दिया, अपनी जेब से किया, मैंने उधार पे किया, वो मैंने काम पूरा कर दिया, वो बाकी सरपंच से पूछ लेना। 3.5 लाख वाला क्या मामला बता रहे हैं जी? ये कुलदीप त्यागी जो हमारे ग्राम सचिव थे नरेंद्र जी से पहले, ये उसी का ही मामला है, 3.5 लाख ले गया था वो कटवा के। हाँ, लगभग 3.5 लाख रुपये उसके पास जा चुके थे। सेटिंग वाला मामला चलता है ये, बिना सेटिंग को कोई काम नहीं होता, जैसे भी है जी, वो अपने जैसे कार्रवाई की उन्होंने, ये पूछना मेरे को भी लिए, मैंने भी लिए। तो एक बात तो स्पष्ट इसमें ये है कि अगर जो जांच हो जाती है तो जांच में कई अधिकारी और कुछ ग्राम सचिव और भी, अगर ये दोषी 80 लाख रुपए की ये बात कर रहे हैं, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए गबन की बात इनके होते हुए सामने आई है, तो उपायुक्त महोदय अगर इस कार्यक्रम को, इस खबर को देख रही हैं, अगर और भी अधिकारी देख रहे हैं, तो इस जांच होनी चाहिए सारे मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है, अभी सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये का मामला सामने आया है, 1.5 करोड़ से और भी जो है ज़्यादा घोटाले सामने आ सकते हैं अगर सही मामले में जाँच ये सामने आए, क्योंकि 2 ग्रामीण सचिव इनसे पहले भी थे। अभी आप अपनी जाँच में क्या करते हैं वो वक्त बताएगा। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।